हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर की शान है। आमेर फोर्ट, जैदर फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट, ये सब एक ही वे से जाए जाते हैं। और आमेर सिटी में लोकेटेड है आमेर फोर्ट, और ये जयपुर से 11 किलोमीटर्स अवेज है। इसको अलान सिंह चन्ना ने बिल्ड किया था 967 BC में, और ये मेरे घर से 19 किलोमीटर अवे है। आमेर फोर्ट के अंदर हमें काफ़ी पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। आमेर फोर्ट में काफ़ी सारे कमरे हैं और बहुत सीढ़ियाँ, शीश महल सब है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, टूटका लवर, जो कि हर दीवार पे कलर हो रखा था। इतनी मेहनत के बाद हम आमेर फोर्ट पहुँच जाते हैं। ये 19 किलोमीटर्स अवे, ये पार्किंग में एक्टिवा रखी है। आमेर फोर्ट के नीचे एक गार्डन है जिसका नाम तो मेरे को याद नहीं है अब, पर ये था। और अब हम ऊपर जा रहे हैं, पर ऊपर चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। बीच में हम 4 बार रुके क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं थी एक साथ चढ़ने की इतनी। ये जो है, ये 2005 में बंद कर दिया गया था जो गार्डन है, क्योंकि बोट से जाया जाता था। पर ये इस तालाब के अंदर मगरमच्छ है, तो अभी अलाउड नहीं था जाना। 2005 में ऑफ कर दिया था, ये गाइड ने बताया। और इतने चढ़ने के बाद हम मेन आमेर फोर्ट में एंटर हुए, और एंटर होते ही हमें 2 मिसाइल टाइप कुछ मिला। उसके बाद हम ऊपर गए गेट के अंदर, उधर से तो एक माता का मंदिर है और इधर सीधा फोर्ट के अंदर। इसके बाद टिकट लेने के बाद हमने ऊपर से पूरा व्यू लिया, तो ये वो तालाब है जिसके अंदर मगरमच्छ और जाना अलाउड नहीं है। ये पिलर है जो बुलबुला, इससे कम नहीं लग रहे। पर सफ़र यहीं ख़त्म नहीं था। जब मैं कमरों में घुसा तो थोड़ा सा डर और कन्फ्यूजन इतना क्रिएट हो गया कि मेरे को बहुत डर लगने लग गया कि कहाँ से कहाँ जाना है। ये इतना घूमते घूमते पिलर थे, इधर से जब हम गेट के अंदर गए तो बाथरूम आ गया। पता नहीं कितने तो बाथरूम है यहाँ पर। ये बाथटब है इनका पुराने ज़माने का, और ये बाथरूम जाने का रास्ता था जिसको तो गवर्नमेंट ने सीज कर दिया, यहाँ लिखा हुआ था पोस्टर में। अब हम ऊपर चढ़ते हैं, जब तो उधर पूरा अंधेरा था। अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखता है। उसके बाद हम रोशनी तो ढूंढते हैं कि कहीं से तो उजाला आ जाए। उजाला देखते ही हम वहीं चले जाते हैं कि वहाँ का एक कमरा है क्या है। पर कुछ नहीं मिलने पर हम हमारे फ़ोन का टॉर्च जला के वही देखते हैं। तब इतना कुछ उजाला हो जाता है टॉर्च चलाते ही, इस पूरा कमरा दिखने लग जाता है एक टॉर्च के अंदर। हर जगह टूटके की पेंटिंग हो रखी थी। इनके छत की डिज़ाइन बहुत अच्छी थी। ये बाथटब था जो जिसमें हमें गिर भी जाता वीडियो बनाते हुए, पर बच गया गिरने से। ये कमरे, ये लाइट्स, और ये फिर से बाथरूम। इतने बाथरूम आएंगे इसके अंदर, मतलब मैंने तो गया था देखते। ये फिर हम सीढ़ियों में चढ़े जहाँ पर हर जगह रुकिया की पेंटिंग हो रखी थी। ये है फेमस शीश महल जिसके लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जब मैंने कहीं से पूछा तो उन्होंने कहा कि आमेर फोर्ट में शीश महल देखने आते हैं हम, सुरंग में से निकल के। ये शीश महल, ये पूरा कांच से बनाया हुआ था। इसको भी 2005 में सीज किया, यानी पहले इसके भी अंदर जा सकते थे, पर 2005 में इसको मना कर दिया गया इसके अंदर जाना, क्योंकि लोग इसके भी कांच उतार दिए। भाई इंडिया है, चलता है। इतनी सेफ्टी के बाद भी रात में अंदर घुस गया, तब पुलिस अंकल उसको निकाल के लाए बार बार के। इसके बाद फिर हम कई कमरों में घुसते हुए, ये फिर से बाथटब और उनका पता नहीं क्या सिस्टम है, बस एक ही काम था इतने सारे बनाने। ये इतनी जालियाँ देखने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा कि क्या जालियाँ। घुसते घुसते इतने कमरे थे, कन्फ्यूजन हो गया फिर कैसे तैसे बाहर आए। पर दूसरी मंजिल पे आ गए, काफ़ी देखने के बाद तीसरी मंजिल पर पहुंच गए, और पता भी नहीं चल रहा था कैसे कहाँ पहुंच रहे हैं, कन्फ्यूजन इतना था। एक जगह तो टूटी फूटी सीढ़ियों से भी चढ़ना पड़ा। काफ़ी मेहनत के बाद हम जब ये पहुंचे, ये जगह है जहाँ से सिपाही कोई भी लड़ाई हो जाती थी तो सोल्जर्स मारते थे दूसरे लोगों को, मतलब गन निकाल के इन क्षेत्रों में से। यहाँ भी टूटके की पेंटिंग। ये कुआ है जिसमें जाने की सीढ़ियाँ थी, पर वो सीढ़ियाँ थोड़ी अजीब सी थी इसलिए हम उतरे नहीं कहीं गिर गिर जाए तो। पर ये पहले का सिस्टम था कि ऐसे चरी लटका के यहाँ से पानी निकाला जाता था इस तो घुमा के, अब तो खाली बड़ा है कबूतर उड़ रहे थे। उसके बाद हर जगह दुटका देखने के बाद हम नहीं गए क्योंकि बदबू आ रही थी। कई दीवारों पे तो नाम की पेंटिंग भी हो रखी थी, ये देखो। ये ऊपर से पूरे महल का व्यू है, इस साइड से, उस साइड से भी व्यू लिया था मैंने। यहाँ भी दुटका, यहाँ भी नाम, हर जगह दुटका पेंटिंग देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। कर भी क्या ही सकते हैं।
ये फिर से इतनी सुरंग में से निकल गया। हमने देखा फिर गुटखा पेंटिंग मिली हमको हर कोने में। उसके बाद कई दीवार में घुस के इतने कमरों की वीडियोस बनाई। रात को तो पैर दुख रहे तो बहुत ज़्यादा घूम घूम के। उसके बाद इन टूटी फूटी सीढ़ियों से हम चढ़ते हुए ऊपर भी गए। गेट तो भाई इतना कच्चा था कि मैं इसको हाथ से खोल सकता था, पर पुलिस अंकल ने मना कर दिया जब मैंने इसको हिलाया था। फिर से इधर दूध का पेंटिंग। इतनी सीटें चढ़ते चढ़ते हम हर ज़्यादा दूध का पेंटिंग देखते हुए कन्फ्यूज़न करते हुए चढ़ गए। आखिर में हम ऐसी जगह चढ़ गए मतलब जहाँ की सीढ़ियाँ टूटी हुई थी और कोई भी नहीं चढ़ रहा था। ये टूटी फूटी सीढ़ियों से हम चढ़ गए और ऊपर हमें डायपर और गुटखा मिला। जब कमरों में गए तो उनको मैंने शूट में नहीं लिया, वही सही था। ये वो कमरा ऊपर है जिसमें डायपर और गुटखा पड़े। ये उन टूटी फूटी सीढ़ियों से उतरते हुए कमरे। ये इतना बड़ा फोर्ट है कि हमको इसको विजिट करने में 2 to 2.5 hours लग गए। फिर और चलते हुए सीधा सीधा हमने बहुत कुछ विजिट किया। ये और भी कमरे हैं। ये ऊपर से छतरी से व्यू लिया गया और ये नीचे एग्जिट का रास्ता था। जब हम सुरंग से निकल रहे थे तो पूरा अंधेरा हो रहा था अंदर। ये पहले का कुआ था जिसको पैक कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये है रियल गेट, मतलब बाकी गेट तो बदल गए। ये रियल गेट है जिसको सेफ्टी से रख रहा है, कांच वाच लगा के। वहाँ पर लिखा हुआ भी था बहुत कुछ इसके बारे में। उसके बाद फिर से हम लास्ट मंजिल पे चढ़ गए सबसे ऊपर, जहाँ पर मैंने टेलीस्कोप से भी दिखाया मेरे को ये टिकट ले ली और जिससे मेरे को जंतर मंतर और वो सब दिखाया गया। 5 मिनट के लिए वैलिडिटी थी, वर्थ इट थी ये टिकट काफ़ी ज़्यादा। एंड में हम गए शिरला माता के मंदिर जहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था और मीना बाज़ार जहाँ पर भी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी। और किशन बाग गए तो वहाँ भी केवल हम बाहर की फ़ोटो खींच सके क्योंकि वहाँ भी सेम फाइन 200 rupees का था हर जगह अगर हम फोटो खींचते हुए पकड़े जाए तो। इसलिए मैंने रिस्क ली भी नहीं ऐसे। इससे बाहर जाने के लिए हमें इतनी मेहनत लगी जितनी अंदर आने में नहीं लगी थी क्योंकि हम इतनी बार अटक गए रास्ते में। सबसे पहले तो हमने पॉइंट्स पढ़े, एग्जिट लिखे हुए और चालू करा एग्जिट होना। सबसे पहले पढ़ते पढ़ते एग्जिट हुए, फिर इन बुलबुलों में से निकले एग्जिट एग्जिट। एंड में एकदम सही जा रहे थे पर मीना बाज़ार देखने के चक्कर में हम भटक के रहा था और राइट जाने की बजाय लेफ्ट घूम गए। इसलिए हम पूरा उतर गए एग्जिट करते करते। ये मीना बाज़ार देखा, इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं था और हम उतर गए लेफ्ट। पर एंड में हमें वापस उल्टा ही चढ़ना पड़ा। ये जा रहे थे हम, यहाँ पर कठपुतलियों का खेल भी दिखाया जो कि बहुत ही बकवास था मैंने देखा। ये देखिए अब इधर से हमें राइट जाना था पर हम लेफ्ट चले गए। ये इतनी बड़ी चढ़ाई है कि ये मेरी साइड से भी लंबी थी। यहाँ से सिंटेक्स की टंकियों से राइट जाना हमें भारी पड़ गया कि हमें वापस चढ़कर आना पड़ा और लेफ्ट जाना पड़ा। एंड में शिला माता के मंदिर जाके तनक बाग की तरफ गए हम क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था। उतरने में हमें इतने झटके आए कि होगी हर जगह ढलान कहीं पर। जाते जाते हमने जल महल भी देखा पर उसके अंदर नहीं गए, केवल बाहर से ही आउटसाइड विजिट किया। वहाँ पर हमने खाई सॉफ्टी आइसक्रीम, और केवल सॉफ्टी खाई थी आइसक्रीम नहीं। पर जो व्यू था ना इनका पहाड़ियों का वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। आमेर फोर्ट से ज़्यादा अच्छा तो व्यू था इनका जाने का। हर जगह तो इन्होंने बोर्ड लगा दिया सावधान दुर्घटना संभवित। इन बोर्ड से याद आ तो इतना डर लग रहा था कि क्या भाई मारोगे क्या तुम। फिर हम गए तनक बाग जहाँ की टिकट थी 25 rupees पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं था। इसलिए हमने पूरा विजिट करा पर कैमरा नहीं लेता था। उसके बाद हम जाते हुए जल महल तो देखे और सीधा घर पहुँच गए पर फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने की वजह से मैं जाने का वे नहीं दिखा सका। और जाते जाते हमें रास्ते में गणेश जी का मंदिर मिला जो कि काफ़ी फेमस था और वहाँ पर नीचे भीड़ थी पर ऊपर आने पर हमें भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिली।
मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर ठीक है, जाते जाते दर्शन कर लिए। बाय, दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।